मैं श्रीमती राम सियावाई हूँ। मैं ग्राम बासादी खेड़े की रहने वाली हूँ। मैं पिछले साल 2 वर्ष से ऐसी धान की खेती करती श्री विधि से करती आ रही हूँ। धान का रोपा तैयार करने से पहले बीज उपचार करते हैं। आज मैं 1 किलो धान का बीज का उपचार करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बाल्टी में पानी लिया, थोड़ा सा नमक और 1 आलू भी लिया। मैंने दस्ताने और मुंह पर पट्टी बांधने के लिए ली है। मैंने बीज का उपचार करने के लिए बवेस्टिन पाउडर लिया। उससे पहले बाल्टी में पानी लेंगे। इस पानी में जब नमक हम जब तक घोलेंगे जब तक आलू ऊपर ना आ जाए। अब इसमें हम आलू डालेंगे। अब आप देखिए आलू पानी में तैरने लगा। अब हम ये आलू निकाल लेंगे और धान डालेंगे। अब हम इस नमक वाले पानी में धान को 10-15 मिनट छोड़ देंगे। अब हम देख रहे हैं 15 मिनट बाद कि खराब बीज ऊपर आ गया और अच्छा वाला बीज नीचे बाल्टी में है। अब हम एक खराब बीज ऊपर टहर रहा है उसको निकाल रहे हैं। अब हम एक बर्तन में साफ पानी लेंगे। हम अब एक बर्तन साफ पानी में इसको डालकर धो लेंगे। इस बीज को 2 बार साफ पानी में धोकर फटा कर डाल देंगे। अब इसको अच्छे गीले फट्टे पे अच्छे से बराबर करके रख देंगे। अब इसमें हम दवा मिलाने से पहले हाथ में मोजे और मुंह पे पट्टी बांधेंगे। अगर आपके पास मोजे नहीं है तो आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं और मुंह पे पट्टी नहीं है तो कोई भी कपड़ा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डिब्बी में मैंने बायोस्ट्रिन पाउडर 2 ग्राम लिया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा इस धान के ऊपर छिड़क देंगे। हम इस दवा छींचने के बाद हम इसको पूरी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। दवा मिलाने के बाद हम मोजे और पट्टी निकाल कर रख सकते हैं। अब इस बीज को हम इकट्ठा कर और उसकी पोटली बनाकर रख देंगे। इस बीज को हम 24 घंटा फट्टे के अंदर रखेंगे और कि गीला बना रहे। घंटा 2-2 घंटा बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। इसमें 24 घंटा बाद खुरहा निकल आते और खुरहा निकलने के बाद खेत में बीज डाल सकते हैं। मैं सभी भाई बहनों को कहती हूँ कि धान का उपचार कर ही बीज लगाएं क्योंकि अच्छी फसल पा सकें। सभी बहनों भाइयों को मेरा राम राम।